पहाड़ों और धुंध में बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं, और ऐसी एक बहुत सुंदर कहानी हम आपको बताने लगे, तो ध्यान से सुनिए। विस्की सावर। थैंक यू। तो मेरा दूसरा विस्की सावर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही पहले शुरू होती है। 1823 में मसूरी के जो आज लाइब्रेरी चौक है उसके पास एक बहुत बड़ी जमीन में, यानी कि ऑलमोस्ट 13 एकड़ की जमीन में एक हंटिंग लॉज बनाया अंग्रेजों ने। बहुत ही शानदार हंटिंग लॉज था और उन्होंने उसको इस्तेमाल भी किया गया था हंटिंग लॉज, लेकिन फिर जमीन इतनी बड़ी थी, इतनी खूबसूरत थी और उसकी रिक्वायरमेंट इतनी थी, तो उन्होंने 1849 में यहाँ पे बनाया एक बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल और ये चला 1890 तक। उसके बाद 1892 में खुला द सवॉय मसूरी, और द सवॉय इज वन ऑफ दोज नेम्स जिसको हर मसूरी वासी वैसे जानता है जैसे वो अपने बाप दादाओं की कहानियों को जानता है, यानी कि सवॉय तो हमेशा यहाँ था ही, और सवॉय की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। 1892 में शुरू हो गया एज ए होटल, 1990 तक होटल चला, 1990 से 2004 ये बंद रहा, यहाँ पे कुछ नहीं था, इट वॉज ऑल क्लोज्ड। 2004 में जो प्रेजेंट ओनर्स है उन्होंने इसे लिया, और 2013 में खुला वेलकम होटल बाय ITC होटल्स द सवॉय मसूरी, और आज आप इस शानदार प्रॉपर्टी में आकर इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या कहानी है सर, जी को तो सर नंबर वन आप ऐसे इतने अच्छे हिस्टोरियन है। नंबर टू मेरे को लग रहा है क्योंकि वो जो 1820 की कहानी बता रहे हैं आप, कहानी तो ऐसे बता रहे हो, शक्ल से भी ऐसे लगते हैं तब से आप थे यहाँ पे, इसलिए आप मतलब जो है रियल लाइफ हिस्ट्री जो है द सवॉय की वो आप यहाँ देख सकते हैं। बट ये बहुत ग्रैंड जगह है, मसूरी के भीड़ भड़के से दूर जब आप आएंगे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि इतिहास का पन्ना पीछे हो गया और आप किसी एक और टाइम में आ गए। आपकी जो रॉयल आपको वेलकम मिलती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जी देखिए, जिंदगी में वैरायटी बहुत जरूरी होती है, ये नेसेसरी नहीं है कि सारा देश एक ही जैसे एक ही टाइम पे एक टाइप पर रहे। करेक्ट, ये हमारी हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री ये है कि कॉलोनियल जो एरियाज थे, जो मैंशन थे, जो जगहें थी, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड थी, अंग्रेज़ों ने बहुत बड़े स्केल पे बनाई थी क्योंकि वो हम पे राज किया करते थे। आज इन जगहों को रिस्टोर करके अपनी हिस्ट्री को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जगह इतनी खूबसूरत है। सवॉय जो है ये 85% रिस्टोर्ड है, जो सारा वुडवर्क आप देख रहे हैं ये 85% पुराना ही है और सिर्फ 15% नया ऐड किया गया है। तो जो ग्रैंड्योर है, जो स्केल है, जो साइज है, जो ब्यूटी है, ये देखते ही बनती है, हवा निकल जाती है देख के, इतना खूबसूरत। एंड आप जहाँ पे मतलब हर कमरे में जाएंगे, हर एरिया में जब आप जाएंगे तो आपको मतलब जो है इतिहास का आपको जो है एहसास होगा। एक वहाँ पे पियानो रूम है जहाँ पे अभी भी एक जो 1895 में बनाया गया एक पियानो है, डेटेड है, और अभी भी हर शाम को एक पियानिस्ट आते हैं और वो म्यूज़िक बजाते हैं, वो आपको बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करता है। अगले कमरे में आप आएंगे तो आप देखेंगे दीवार पे इतनी सारी फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स, पार्टीशन के पहले, कॉलोनियल टाइम से आपको फोटोग्राफ्स मिलेंगी, और फिर आप आएंगे इस आइकॉनिक जगह में जिसको बोला जाता है राइटर्स बार। और राइटर्स बार की बोलते हैं शायद आप जानते नहीं, हम अवार्ड विनिंग राइटर्स हैं। करेक्ट करेक्ट, मयूर जी को 2011 में पेरिस में वर्ल्ड गोरमा अवार्ड फॉर द बेस्ट फूड बुक इन द वर्ल्ड से नवाजा गया था। 2013 में हमें चाइना से बेस्ट फूड बुक इन द वर्ल्ड से नवाजा गया था। तो हम छोटी मोटी चीज भी है, हम इंग्लिश में भी वार्तालाप कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन बरहाल हमारे जैसे और भी कई राइटर्स आए और उनके नाम आज यहाँ पर हैं दीवार पे। इनमें से शायद आप जिम कॉर्बेट को पहचानते होंगे, रस्किन बॉन्ड को तो खैर सब जानते हैं क्योंकि जो लोग मसूरी को जानते हैं वो रस्किन बॉन्ड को जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत एरिया था, यहाँ पर इंस्पिरेशन के लिए कई लोग आ चुके हैं, लेकिन इंस्पिरेशन के अलावा राइटर्स बार में आपको ड्रिंक्स बहुत अच्छी मिलेगी, और मेरी इंस्पिरेशन तो ड्रिंक्स से बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं क्या बताऊँ आपको। जैसे बहुत राइटर्स की हुई है, जैसे मैं बताना चाहता हूँ अबाउट द बिलियर्ड्स टेबल, बहुत ही पुराना यहाँ पर रिस्टोर्ड बिलियर्ड्स टेबल, उसे देखिएगा जरूर, बिल्कुल एक अलग ग्रैंड चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो वहाँ से थे इनको शौक था बिलियर्ड्स टेबल के नीचे जाकर छुपने का, तो एक दिन किसी अंग्रेज ने देख लिया, दीवार में लटक गए। तो ऐसी कहानियाँ बहुत हैं यहाँ पर, और लोकली ये जगह जो है इतनी पुरानी है, 200 साल ऑलमोस्ट होने को आ गए, इसको अगले साल 200 साल पुरानी हो जाएगी, तो ये अपनी कहानियाँ इकट्ठी करती हैं ये पुरानी जगह। जैसे मैं जब बच्चा था मुझे मेरे घर मेरी मम्मी यहाँ पर ही लेके आती थी, बोलती थी यहाँ पे भूत है, मुझे क्या पता था कि बिल ज़्यादा होता था इसलिए मेरे को
बट अब अगर आप आएंगे बहुत यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग एरियाज हैं, पर आप हाईली रेकमेंड करते हैं शाम के टाइम में जैसे धूप नीचे जा रही है, आप इस राइटर्स बार पे आइए, एक एक ड्रिंक ऑर्डर कीजिए। जैसे ये है जो इनकी आइकॉनिक सवॉय मार्गरीटा है, छोटे छोटे इनके जो कैनेप्स हैं जो छोटे छोटे, जैसे ये है इसमें चीज़ है, रास्पबेरी है, ग्रेप है, चीज़ प्लेटर आपको मिलता है। बैठिए आराम से, हिस्ट्री का मज़ा लीजिए, अपने दोस्त के साथ कॉन्वर्जेशन करिए और सोचिए कि आप अगली किताब क्या लिखने वाले हैं। बहुत तो मैं राइटर अपने पोज में आ जाता हूँ। So what should we write about next, Doctor? Perhaps the history of Missouri.